गाजियाबाद में अब सर्दी का मौसम दस्तक देने को तैयार है, लेकिन ठंड से पहले हवा ने प्रदूषण में सबको परेशान कर दिया है और प्रदूषण से लोगों को सांस फूलने, खांसी, गले में खराश, आंखों में जलन जैसी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। एमएफजी अस्पताल में आंखों में जलन, सांस फूलने, सीने में जलन, गले में दर्द जैसी परेशानियों को लेकर लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। एमएफजी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज चतुर्वेदी ने बताया कि लगातार ऐसे मरीजों का इजाफा हो रहा है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि मुंह पर मास्क लगाकर चले, रोड पर मॉर्निंग वॉक ना करें, सिर्फ पार्क में जहां पर पेड़ पौधे हों वहीं पर मॉर्निंग वॉक की जाए। जैसे सांस है, अस्थमा हो गया, स्किन एलर्जी, आंखों में लालपन, कंजक्टिवाइटिस, ये परेशानी होती है। एयर पोल्यूशन रोकने के मास्क पहनिए, बेवजह घर से ना निकलें, फुलास्तीन कपड़े पहनिए ना, मास्क अगर निकले तो बहुत कम हो जाता है। एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है, सांस की दवाइयाँ सारी उपलब्ध हैं, सब स्टॉक पूरे मौजूद हैं, ये सब दवा दी जाती हैं, इससे पोल्यूशन कम हो जाता है। थोड़ा साथ में योगा और व्यायाम भी करने चाहिए, इससे भी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मॉर्निंग पार्क में जो हरी स्थान है वहाँ घूमें, ग्रीनरी जाएँ, सड़क पर घूमें तो खतरा रहता है एक्सीडेंट का। दूसरा पोल्यूशन बहुत होता है, जहाँ पेड़ पौधे हैं पार्क वहाँ घूमने चाहिए।